घटा कांग्रेस घोषणा पत्र का दिवालियापन और दोगलापन। सुधांशु त्रिवेदी जी द्वारा तथ्यों के साथ पूरी तरह उजागर। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, जिन इमेजेस, जिन फोटोस का इस्तेमाल कर रही है वह फॉरेन के हैं। विदेश में जाकर थाईलैंड के फोटो, वैसे राहुल गांधी तो थाईलैंड में ही ज्यादा रहते हैं, वहां का फोटो वह घोषणा पत्र में इस्तेमाल कर रही है। और 50 साल दे दिया, शासन तो नहीं किया, देश को लूटा, अब फिर लूटने का मौका मांग रहे हैं। यह पूरा चीज सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं। मित्रों, आज मुख्य विपक्षी दल और भारत की राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी पुरानी धुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब पहले तो यह है कि यह पुरानी पार्टी है, लेकिन अब यह जीरो की तरह मुख्य विपक्षी पार्टी, जिनको 30 सीट आने वाला है, हम जिनको सिर्फ 30 सीट आने वाला है वह मुख्य विपक्षी पार्टी, और यह पुरानी, ये तो सचमुच ऑब्लिवियन, ये तो एक्सटिंक डायनासोर की तरफ जा रही है। फिर सुनिए क्या कहते हैं। वैसे उन्होंने शासन नहीं किया था, लूटा था। एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहाँ तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई, और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। परंतु कमाल तो किया था, इतना लूटा है कि दुनिया में किसी ने इतना लूटा नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी बातें उन्होंने कहने का प्रयास किया, तो मैं 2-3 तथ्य आपके सामने रख देता हूं। प्रयास किया, कहा नहीं। जो उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। मैं कांग्रेस के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, पिछले 50 साल में, इन द लास्ट 50 ईयर्स, द ईयर्स विच आर हैविंग द लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 2017 3.33, 2019 3.73, 2004 3.77, 2001 3.78, 2003 3.81, 2018 3.94, 2000 4%, 2005 4.2%, और इस समय 5%। तो इन्होंने पूरे तथ्य के साथ दिखा दिया कि कांग्रेस के अमल में, कांग्रेस के दौरान जब गरीबी हटाओ कह रहे थे, वह गरीब को ही हटा रहे थे, महंगाई सबसे ज़्यादा था और बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा था। और ये जो बकवास कर रहे हैं, इन्होंने स्टैटिस्टिक से दिखा दिया कि कांग्रेस के दौरान ही बेरोजगारी और महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा था। फिर सुनिए। 5% के नीचे है, उनमें से 8 या 9 वर्ष हमारे शासनकाल के हैं, ये हकीकत है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट के जो टॉप 10 हैं इयर्स, उसमें वर्तमान समय में हम G7 कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ हैं, परंतु उसमें भी यदि देखा जाए तो भारत में पिछले 10 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में 2021, 16, 15, 4 और 3, यानी अधिकतम हमारे कार्यकाल में हुआ है। अब यदि आपसे पूछा जाए साहब निगेटिव ग्रोथ रेट कब रही है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन कब रहा है, तो 1974 में, 50 साल पहले, 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है, महंगाई की दर 26%, विकास दर जानते कितनी थी, 1.19%, 1% और विकास दर 1.19%, महंगाई की दर 26%। और पिछले, यह है कांग्रेस की, जब महंगाई 26% और ग्रोथ रेट 1%, जमाने में जितनी बार 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है
वो केवल हमारा 2020 का दौर छोड़ के, सबको पता है कोविड का दौर था, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट रही है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब निगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। इसलिए मैंने कहा ना, जिनको चार पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब ये दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। और फिर देखिए कितनी मजेदार बात वो लोग कहते हैं और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, वैसे ग्रोथ रेट, ये देश की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, अगर गांधी परिवार की पैसे की बात करें तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो बहुत अच्छा है, वह देश की ग्रोथ रेट जरा कम है। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। न्यूयॉर्क फोटो ये यूज कर रहे हैं, न्यूयॉर्क फोटो, समझते हैं लोग बेवकूफ हैं, कोई क्रॉस चेक नहीं करेगा। अब देखिए मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहाँ की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का थाईलैंड के, ये राहुल गांधी के थाईलैंड। आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात ये, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है, भाई ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। फिर यह भी पता नहीं है कि कौन फॉरेन वाला फोटो भेज रहा है और कौन फॉरेन वाला फोटो मैनिफेस्टो में घुसा रहा है। ऐसे ही पप्पू होते हैं वहां के मैनेजमेंट, जो मीडिया मैनेजमेंट है वहां भी पप्पू हैं, पप्पू से भरे हैं। आपको ये भी ध्यान हो, आज उनके अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि जब कांग्रेस को हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में, यही बोला था ना आप सबने, और ये तो उनका बड़ा चिरपरिचित डायलॉग रहा है, और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है ब्रह्मोस, पर कोई बात नहीं रॉकेट बनता था। पर ये बताइए 47 में सुई नहीं बनती थी, आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था आजादी से मगर पहले, सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी आजादी से पहले। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, पर भारत में कुछ होता थोड़ी था भाई। विश्वेश्वरैया जिसका उच्चारण राहुल गांधी नहीं कर सकते इसलिए शायद उन्होंने उसको छोड़ दिया, वरना राहुल गांधी कहां उच्चारण कर पाएंगे विश्वेश्वरैया। इंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला, इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था, कुछ होता थोड़ी था भारत में। अजय, और सब नेहरू की वजह से, ये कह रहे हैं सब हुआ जो नेहरू के पहले ही हो चुका था, यानी नेहरू के पहले लोग क्या बेवकूफ थे क्या यहाँ पर? बताइए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे, तो सीवी रमन को भी या बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो है नेहरू ने भारत की खोज की, वरना सीवी रमन तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जिसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। दूसरी बात, वो सब डॉक्टर इंजीनियर तो सब आजादी के बाद नेहरू जी की कृपा से बनने शुरू हुए, और डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का आपने नाम सुना होगा, वो चाइना और जापान की वॉर में मदद करने के लिए 1930-32 में डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल लेके गए थे, और हमारे विचार परिवार के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार डॉक्टरी पढ़ लिए थे 1920 में ही। मैं सिर्फ ये यथार्थ बनाना चाहता हूं, भारत की वायुसेना 1932 में बन गई, मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है बहुत सारी चीजें उनको लीगेसी में मिली, यथार्थ क्या था ये बताना चाहता हूं। ये बताइए एयरलाइंस कब बनी थी? ये जानबूझकर इतिहास को छिपाने का काम कांग्रेस ने कई सालों से लोगों को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ
एक गद्दार नालायक नेहरू को महान बताने के लिए। अटकी एयरलाइंस, परंतु यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी। यानी ये कह रहे हैं कि एक नालायक गद्दार नेहरू को महान बनाने की कोशिश कर रहे थे और सफल काफी हद तक हो चुके थे, लेकिन बाद में सब गड़बड़ हो गया। संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है 1998 में। जब 60% पार की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब 75% पार कर रही है तो हम भी 400 पार जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब झूठ का मुलम्मा चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। अब मैं इस पे दूसरा बिंदु बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान हो, आप झूठ नहीं बोल सकते। खड़गे जी ने कहा कि हम 1,00,000 रुपए देंगे सब महिलाओं को, ऐसी जानकारी लगी है हमें। बहुत कुछ दे चुके भाई, 1,000 रुपए दे चुके, 600 रुपए दे चुके, सब कुछ मिल गया, सब कुछ सबको मिल गया, 600 भी मिल गया, 1,000 भी मिल गया, अब 1,00,000 मिलना बाकी है। कि शायद उस पे वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली तो ये बोलना पड़ेगा ताली नहीं बजाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको, ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे, 3 में तो अभी सरकार है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले, तो कितने दे दिए थे। ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। तो आज ये तथाकथित न्याय, देखिए कितनी मजेदार बात है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय की है मान लिए हैं, मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलके एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था। आपका इतना बड़ा बैगेज और ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, अरे ये न्याय क्या करेंगे, ये तो सेना को बदनाम करते हैं, सेना को बेइज्जत करते हैं। वो न्याय ये था कि हमारी फौजें मैदान में जीत के आती थी और राजनीति की टेबल पर सब कुछ लुटा के सरकारें चली आती थी। जैसे हम उस जमाने में एक नारा कहते थे कि फौज न हारी कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही कि पंजाब गया कश्मीर गया आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं, वही देशी फोटो नहीं, सब कुछ विदेशी पसंद है। नेहरू को भी विदेश पसंद था, विदेशी कपड़े पसंद थे, विदेशी सिगरेट पसंद थे, तो इन्हों भी विदेशी फोटो पसंद है, देशी फोटो तो पसंद है नहीं, और सब दान में दे देते हैं, ये लो तुम ले लो, ये आइलैंड ले लो, वो ले लो, चीन को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया, इसको दे दिया, सब महादान भी पुरुष हैं, इतने दान करते हैं और सेना को अपमान करते हैं और विदेशी फोटो लगाते हैं। प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर कितना गहरा हो गया है। और यहां मैं पुनः ये पूछना चाहता हूं
कि चूंकि वो अभी तक ये बता नहीं पाते हैं कि उनके अकाउंट्स कौन डील करता है और ये फोटोएं कहां से आती हैं, इसमें विषय ये नहीं है कि फोटो गलत लग गई है, विषय ये है कि फोटो विदेश की लग गई है। ये गंभीरता की बात है, यानी अभी तक वो विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग तो करते थे, मोदी जी से लड़ने के लिए विदेश में जाके गुहार तो लगाते थे, अब विदेश से उधार लाकर फोटो भी लगाने लगे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में और गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में एकजुटता श्रेष्ठता के साथ हर गरीब को न्याय देता हुआ, विकास के नए पथ पर ले जाता हुआ, सुरक्षा को सुदृढ़ करता हुआ और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ, केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन, तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है और भ्रम का पुलिंदा जो उनके बयान से लेके और फोटो तक दिखाई पड़ रहा है, देश की जनता, विवेकपूर्ण जनता इसके ऊपर सम्यक विचार करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की है। तो यह क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ का एक फैक्ट्री है, जो विदेशों के फोटो लगाते हैं, प्रॉमिस करते हैं जो करते नहीं हैं, जो आर्मी जो विजय प्राप्त करती है उसको दान में दे देते हैं, महंगाई दर सबसे ऊंचा है, और अब कहते हैं इतने साल लूटने के बाद लूटने का एक और मौका मांग रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।